हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए सूजी उत्पम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर आप दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसे बनाने के लिए मैं 2 कटोरी सूजी ली हूँ। इसमें मैं 1 कटोरी दही डाल दूँगी और फिर इसे मिलाऊँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद लगभग मैं इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख दूँगी। 1 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच खाने का सोडा डाल दूँगी और फिर इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी में जो पानी और खाने का सोडा था वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आपको बिल्कुल सूजी की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। इसके बाद मैं 1 कढ़ाई लूँगी, इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल दूँगी और जब तेल गर्म हो जाए तो मैं सूजी का जो बैटर बनाई हूँ वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसे हल्के हाथों से फैला दूँगी। इसे अच्छे से फैलाने के बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ गाजर डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। इससे हमारा जो उत्पम बन रहा है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसके बाद मैं इसे 3 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। 3 मिनट हो चुका है, मैं अपने उत्पम को पलट दूँगी और फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैं लो फ्लेम पर ढक दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो उत्पम है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। इसे मैं 1 प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए फटाफट से बन गई ना हमारी पहली उत्पम, इसी तरह मैं दूसरा उत्पम भी बना लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में शेयर करें। हमारा जो दूसरा उत्पम है आप देख सकते हैं, इसे भी मैं सेम प्रोसेस से बना ली हूँ। इसे भी मैं लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूँगी लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं फिर से पलट दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे ढक दूँगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए और पक जाए। इसी तरीके से मैं सारे उत्पम को बना ली हूँ। मैं अपने उत्पम को बादाम और चने दाल की चटनी के साथ सर्व की हूँ। आप इसे धनिया पत्ता की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक बार सूजी उत्पम बनाकर देखें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।